पलिया नगर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सीओ कार्यालय पहुंचकर शहर में नाबालिग युवकों द्वारा तेज रफ्तार से दौड़ाई जा रही बाइकों पर अंकुश लगाने के लिए सीओ जितेंद्र गिरी को एक ज्ञापन सौंपा। सीओ को सौंपे गए ज्ञापन में व्यापारी नेताओं ने कहा कि नगर में इन दिनों नाबालिग युवकों के द्वारा काफी तेज गति से बाइक चलाई जाती है, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। व्यापारी नेताओं ने कहा कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे युवकों पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है। व्यापारी नेताओं ने सीओ से आग्रह किया है कि ऐसे नाबालिग युवकों को पुलिस पकड़कर पहले उनके परिजनों को थाने बुलाए और उन्हें सख्त हिदायत दे कि वह अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करे। इसके बावजूद भी अगर युवकों में सुधार ना आए तो उन पर कार्रवाई की जाए। व्यापारी नेताओं ने कहा कि वह शहर के सभी स्कूलों में भी जाकर स्कूल प्रबंध से तेज रफ्तार बाइक चलाने वाले युवकों को चिन्हित कर उनके परिजनों को समझाए, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट हो। आज नगर व्यापार मंडल पलिया द्वारा एक सीओ साहब क्षेत्राधिकारी महोदय पलिया द्वारा एक पलिया के यहाँ ज्ञापन देने आए थे, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चे एवं शहर के बच्चे जो नाबालिग बिना लाइसेंस के जो स्कूटी तेज रफ्तार से चलाते हैं और दुर्घटनाएँ होने की संभावना रहती है, जिसमें सभी वृद्ध जन को अपील थी कि इस पर रोक लगाई जाए और क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन दिया गया जिसमें कि इस पर कार्रवाई करके इसको समस्या का समाधान किया जाए।